अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा, अपने शो तड़का के साथ हाज़िर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़बान में रखे। आप इन सबाब इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज क्या बन रहा है बिल्कुल बताती हूँ, लेकिन आपको पता थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, थोड़ी सी ठंड हो चुकी है, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा ही ठंड हो चुकी है। और जब ठंड होती है तो आपको पता सबसे पहले क्या होता है, फ्लू पर सबका अटैक होता है। खैर क्या करें, हम भी थोड़े से डीट है, बाहर जाते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, कुछ ठंडा पी लेते हैं, तो वैसे तो खैर मैं नहीं खाती, लेकिन जब शादी ब्याह में जा रहे थे और आजकल सीज़न भी इतना शादियों का चल रहा है, एक तरफ से जाओ दूसरी तरफ ना जाओ तो भी मुसीबत है। खैर ये तो चलता ही रहता है। और आज क्या बन रहा है ये भी आपको बता दें, आज की बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। आज हम बना रहे बहुत मज़ेदार स्पाइसी चिकन मसाला, बहुत मज़ेदार सा, और साथ में बन रही है एक दाल, इसके साथ बना रहे हैं मौसलवा का पराठा और साथ में बन रहा है कबाब। ठीक है, तो ये चार रेसिपीज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बिल्कुल बात ही नहीं करूँगी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए कि मुझे ज़्यादा मेरी कोशिश होगी कि रेसिपीज़ पर फोकस करूँ। तो ऐसा करते हैं पहले फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बन रहा है बहुत मज़ेदार से स्पाइसी चिकन मसाला। इसके लिए क्या है कि हमें चिकन, बोनलेस चिकन चाहिए आधा किलो, और अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, चीज़ चाहिए हमें 1 कप के थी, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच हरा धनिया और 2 खाने के चम्मच नींबू का रस भी चाहिए, गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, टोमेटो केचप चाहिए 4 खाने के चम्मच, मक्खन 2 खाने के चम्मच, मायनीज 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद और ऑयल चाहिए 2 खाने के चम्मच। तो ये है सारे अज्जा जो आज बना रहे हैं। बड़े मज़ेदार सा एक चिकन बन रहा है, चिकन के साथ बहुत मज़ेदार सी एक दाल बन रही है, जो मूंग की दाल, जो मुझे पता है हर किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है, बड़े शौक से खाई जाती है और बड़ी लाइट सी भी होती है, इसको मासूम दाल कहा जाता है, बड़ी मासूम दाल होती है। खैर बॉयल करने मैंने वहाँ रख दिया था, थोड़ा सा उसमें बॉयल भी आ गया था, वो तो खैर मैं अभी जाके देख रही हूँ, तो मैंने कहा चले अज्जा आपको बता देते हैं। फिर अब इसको यहाँ पर मैंने इसको उबालने रख दिया था, थोड़ा सा हल्का कर दिया। आजकल की पता नहीं दालों में भी कुछ हो गया है, समझ नहीं आती। पहले मूंग की दाल को 1 से 2 बॉयल डाल देते थे, फौरन गल जाती थी, लेकिन अभी थोड़ी सी ये ना ऐसी हो गई कि गलती नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि पता नहीं कुछ पॉलिश की हुई भी दाल आती है, पता नहीं क्यों पॉलिश की हुई आती है। अंडों में फ़र्क, दाल में फ़र्क, चिकन में फ़र्क, बंदा क्या खाए क्या ना खाए। और जो लोग जिन लोग क्या तो घर में है जगह वो रख सकते हैं अपने घर में, और जिस तरह से अंडों की बात होती है, खैर अंडों की बात में से मुझे याद है कि मेरा मुर्गा पता नहीं कहाँ रात को चला गया, इतना खूबसूरत मुर्गा था, रात को पता नहीं उड़ के कहाँ चला गया। तो खैर चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ, और आज की जो फर्स्ट रेसिपी है वो बना रहे स्पाइसी चिकन मसाला, बड़ा मज़ेदार और बड़ा झटपट बनता है। तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरे लिए बोनलेस चिकन, एक सिर्फ आप ये काम कीजिएगा कि इसको आपने मैरिनेट करके रख दें, जितनी देर आप मैरिनेशन इसकी करेंगे उतना अच्छा ये बनेगा। इसको टुकड़ों में कटिंग करते हैं, आप चाहे तो पतले फिलेस कर लें, आप चाहे इसके क्यूब्स कर लें, चाहे आप मोटा मोटा कीमा कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं तो इसको छोटे छोटे से इसकी जो है क्यूब्स करूँगी, इसलिए करूँगी कि मुझे पता है अभी तो वैसे भी इसको मसाला जो मैंने लगाना है, और मसाला लगा कर इसको जब रखना है तो ज़्यादा देर मैरिनेशन भी इसकी नहीं होगी, तो इसलिए मैं इसको इसी तरह से करके रख लेती हूँ। बीच में से 2 हिस्से कर लीजिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे भी शायद ज़्यादातर चिकन जो ब्रेस्ट पीसीज है ना मुझे भी ज़्यादा नहीं पसंद, रीज़न क्या होता है ये थोड़ा सा रफ़ होता है, लेकिन इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो लोग डाइट करें वो इसको खा सकते हैं। मुझे पसंद है ड्रम स्टिक, विग्स पसंद है, लेकिन ड्रम स्टिक में ज़रा ज़्यादा होता है, इसलिए कि उसमें थोड़ा सा वो सॉफ्ट सी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन ये इसका चिकन ब्रेस्ट पीस का, ये इसका चिकन तो आपको रफ़ मिलेगा, लेकिन ये खाने के लिए फ़ायदेमंद है, ख़ासतौर पर वो लोग जो लोग डाइट कर रहे हैं उन लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा ये देख लीजिएगा, मैंने इस तरह से क्यूब्स कर लिए, आप अपने हिसाब से थोड़ी सी छोटी या बड़ी भी इसकी बोटी कर सकते हैं। बस सब चीज़ें डालेंगे और एक साथ इसका मसाला लगाएंगे और इसको रखेंगे ओवन में बेक होने के लिए, ताकि आराम से पकता रहे। फिर अब दाल की तरफ आएंगे, दाल के साथ फिर अब पराठा बनाएंगे, साथ में हम बनाएंगे यहाँ पे कबाब्स है, हमारे पास मौसलवा की बहुत सारी वैरायटी है, वो भी चीज़ें हम क्या करेंगे यहाँ पर आपके सामने ही बताएंगे। तो बस इसको टुकड़ों में काटते हैं इस तरह से, थोड़ा सा बहुत सब की, अभी मैंने अपनी ग्रीन टी बना के रखी है। खैर जो भी आप खाओ जो भी पियो, लेकिन कहते हैं ना कि ये पी लो तो कावा फूलू से हो जाएगा, तो ये खा लो थे, लेकिन जो टाइम होता वक्त होता उसी टाइम पे उसी वक्त पे ये सब चीज़ें जाती हैं। अच्छा जी हम यहाँ पर डालते हैं यहाँ पर ये चिकन, देख लीजिएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1/2 किलो चिकन था जिसको मैंने क्यूब में कटिंग कर लिया, थोड़ी मोटी बोटियाँ की है, और इसके बाद अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। ठीक है चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं, मसालों की बारी आती है जब तक दाल भी यहाँ पर गलती है। तो यहाँ पर हम डालेंगे नमक, ठीक है सारी चीज़ें इसमें जाएगी, यहाँ पर आपने आधी चाय का चम्मच नमक डाल दें,
आधा किलो चिकन तो आधी चाय का चम्मच, एक किलो चिकन तो आपने एक चाय का चम्मच डालना है। अगर जो ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं फिर एक किलो में डेढ़ चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। और इसमें एक चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर के। अच्छा जी, इसके अंदर जाएगा पिसा गरम मसाला, सब चीज़ें एक साथ डालिएगा, आधी चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला। मक्खन है मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून की, इतना मक्खन भी मैं इसी में डाल दूँगी। अभी मिक्स करेंगे तो सारा मेल्ट हो जाएगा। इसके बाद इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये भी तकरीबन 2 ही टीस्पून में डाल दूँगी। अच्छा जी, हमने डाल दी लाल मिर्च पाउडर, हमने डाल दिया अदरक लहसुन, नमक, बटर, पिसा गरम मसाला, और यहाँ पर है मेरे पास टोमेटो केचप। ठीक है, टोमेटो केचप जाएगा इसके अंदर। अच्छी तरह इसके अंदर आपने, इसके बाद इसके अंदर जाएगी मायनीस, टोमेटो केचप मायनीस। डाल देते हैं इसके अंदर आपने मायनीस, तकरीबन 4 टेबल स्पून की जितनी मुझे मायनीस चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे टोमेटो केचप भी जा रहा है, मायनीस भी जा रही है, ये तो खैर मैं ऊपर से डाल दूंगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब आप सोचें इसका क्या टेस्ट होगा। बहुत मज़ेदार टेस्ट होगा, बहुत सॉफ्ट सा ही चिकन बनेगा, और बस आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। और सबसे अच्छी बात है देखिए कितनी जल्दी आसानी के साथ, ये देख लीजिए आप इसको, सब चीज़ों को मिक्स कीजिएगा अच्छी तरह से इस तरह से। अब आप चाहे तो चीज़ इसके ऊपर डाल दें, आप चाहे तो इसके ऊपर चीज़ मिक्स कर ले। इसके अंदर जाएगा 4 टेबल स्पून की इतना हरा धनिया, वो भी मैं इसमें डाल देती हूँ, हरा धनिया। थोड़ा देसी, थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल, मतलब फ्यूजन कुकिंग, ताकि आप इतना ज़्यादा, अगर आप इंग्लिश खाएंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, अब बहुत ज़्यादा देसी खाएंगे तो उसमें थोड़ा सा इंग्लिश का टच हो जाएगा तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। ये हमने इसमें डाल दिया हरा धनिया। पार्सले आपको मिलते हैं तो पार्सले डाल दीजिएगा, वरना आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अब इसकी होगी अच्छी तरह से मिक्सिंग। कुछ देर इसको मैं रखती हूँ, उसके बाद ट्रे में रखेगी। ऊपर ये चीज़ है, इसको बारीक बारीक चॉप कर ले, कद्दूकश कर ले, वो आपकी मर्ज़ी, वो डालकर इसको रखेंगे 180 सेंटीग्रेड प्री हीट को ओवन के अंदर तकरीबन आधा घंटे के लिए रखेंगे, ताकि बहुत अच्छा सा बेक हो जाए। तो ऐसा करते हैं कि जब तक मैं ट्रे वगैरह करती हूँ, यहाँ पर ओवन को सेट करती हूँ, तो इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। बैग ब्रेक से वापस आ गया है, और यहाँ पर मेरे सारा मसाला लगाने के बाद अब मैं इसको स्टिक पे लगा रही हूँ। आप चाहे तो स्टिक पे लगाए ना लगाए वो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे पास अब स्टिक्स यहाँ रखी हुई थी तो मैंने कहा क्यों ना इसको स्टिक्स पे लगा लूँ। तो ज़रा सा एक ही होगा कि अलग अलग जिस तरह से जिसने कोई खाना होगा तो वो अपने हिसाब से ले लेंगे। ठीक है, ये मैंने सारा मसाला लगाया, सिर्फ मैंने एक चीज़ नहीं लगाई, ये ऑयल और दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर चीज़ नहीं डाली, वो मैं अभी फटाफट इसके अंदर वो भी डाल देती हूँ। पहले मैंने का सारा मसाला इसके अंदर लगाने के बाद इसको हम रखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा ये थोड़ा थोड़ा फासला दे दीजिएगा। आप चाहे तो इसको वैसे भी ट्रे में डाल के रख सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा से इसका रिकैप करूँगी। पिसा गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया था, ये इस पर लगा लेती हूँ, लाल मिर्च पाउडर, पिसा गरम मसाला, साथ में आपने इसमें ले लेना है चीज़ ले लेनी है, ऑयल ले लीजिएगा, ऑयल के साथ आप इसके अंदर डाल दीजिएगा बटर डाल दीजिएगा, मायनीज डाल दीजिएगा, टोमेटो केचप डाल दीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे क्या करना है साथ साथ मैं आपको बताती जाती हूँ और आप नोट करते जाएगा। चले जी, यहाँ पर मेरे पास है ऑयल, तकरीबन आपने 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल इसके ऊपर डालना है, इसलिए हमने बटर भी इसमें डाला है। सही है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिएगा। वैसे बटर 50 ग्राम इसके ऊपर, 2 टेबलस्पून सॉरी मैंने बटर इस पर डाल दिया। और ये जो मसाला जिसको मैंने यहाँ पर बच गया था, ये हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, ये आप इसके ऊपर ही डालिएगा इस तरह से। वैसे ही बेक होता रहेगा आराम से, इस पर इतना ज़्यादा हमें पतली लेयर देने की ज़रूरत नहीं है। और मैरिनेट किया होता है चिकन तो ज़्यादा जल्दी गल जाता है। बड़ा सॉफ्ट सा, बड़ा मज़ेदार सा ही चिकन होगा। ठीक है, आपको ड्राई ड्राई बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो इसको हम यहाँ पर ये ले लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है चीज़ है जो अगर आप उसको रखेंगे उसके अंदर क्या कहते हैं फ्रीज़र के अंदर, तो बड़े अच्छे से जमने के बाद क्या होता है कि वो
अच्छी तरह से कद्दूकस हो जाती है, लेकिन जब आप इसको बाहर रखते हैं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो अब मैं इसको इस तरह से कटिंग करूँगी थोड़े थोड़े स्लाइस में, ये इसके ऊपर डाल देती हूँ। ठीक है, फिर इसको रखते हैं, इसको रखते हैं हम बेकिंग के लिए। जब तक ये बेक होगा इतनी देर में हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ चेडर चीज़ ली है, और आपको पता है ज़्यादातर मेरे चेडर चीज़ का इस्तेमाल करती हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और वैसे भी ये टेस्ट भी अच्छा लेके आती है, इसलिए चेडर चीज़ का ही हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए जी, यहाँ पर तो जब तक ये जा रहा है ओवन में बेक होने के लिए, हम अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट करेंगे। दाल मूंग की हमने रख दी है, 1.5 पाव की थी दाल ली है, जिसको मैंने रख दिया है यहाँ पर बॉयल होने के लिए। चले जी, अब ऐसा करते हैं, जल्दी से पेपर पहन लीजिएगा, सेकंड रेसिपी को आप नोट कीजिएगा, फिर उसको भी आप ट्राई कीजिएगा, और वो बड़ी ज़बरदस्त बनेगी। दाल के साथ बड़ा अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है। फिर हम यहाँ पर बनाएंगे मज़ेदार से पराठे और इसके साथ कबाब। तो अज़ा नोट कीजिएगा, ये स्पाइसी चिकन मसाला तैयार जो क्या पूरा मसाला हमने इसके अंदर डाला है, जिस पर मैं एक दफ़ा रिकैप करती हूँ। अदरक लहसुन नमक चीज़ लाल मिर्च हरा धनिया, उसके साथ आपने ले लेना है इसमें नींबू का रस, गरम मसाला, टोमेटो केचप, मक्खन, मायनीज, हरी मिर्चें तकरीबन 2 दत्त, और ऑयल ले लीजिएगा तकरीबन 4 खाने के चम्मच। ठीक है, तो अभी क्या करना है, यहाँ पर हम अपनी सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ज़ीरा मूंग दाल के अज़ा नोट कीजिएगा, 1.5 पाव मूंग की दाल चाहिए, प्याज 1 अदद चाहिए, टमाटर 2 अदद, सूखी लाल मिर्च 6 अदद चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, लहसुन कुटा 1 चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, बारीक कटी हुई अदरक 2 चाय के चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी 1 चाय का चम्मच, इमली का रस 4 खाने के चम्मच, और ऑयल हसबे ज़रूरत। ठीक है, यहाँ पर दाल को मैंने मूंग की दाल को जो येलो दाल है उसको मैंने बॉईल करने रख दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे प्याज को ब्राउन, 1 अदद प्याज ले लीजिएगा, ये देखिए, बल्कि ज़्यादा बड़ी भी ना लीजिएगा, थोड़ी छोटी प्याज लीजिएगा, हमने इसका बनाना है मसाला। चले जी, इसको आपने दाल का दिखा देती हूँ आपको, मैंने कौन सी दाल ली है, येलो मूंग की दाल, ये देखें ये हो चुकी है बड़े अच्छे से, और थोड़ी सी मुझे नरम दाल बनानी है तो इसलिए मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। ये देख ली गल चुकी है, बड़े अच्छे से घुल के तैयार हो चुकी है। असल में जब मैं स्टार्ट होने वाला था शो था तो मैं वहाँ बैठ गई जाके, तो ये फिर बॉयल इसमें आ गया, तो मैंने कहा मैं लाइव जाने वाली हूँ और मैं उठ के भागूंगी तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा, तो इसलिए इसमें बॉयल आ गई, घिर गई। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर इस पर डालते हैं प्याज और इसका करेंगे मसाले की तैयारी। बारीक बारीक काट लीजिएगा प्याज को। ठीक है, अब इसको मैं करती हूँ ब्राउन। 2 अदद मुझे चाहिए टमाटर, 1 से 2 काफ़ी है, 2 टमाटर। ठीक है, और इसके अंदर इमली का रस भी जाएगा, टमाटर के साथ इमली का रस भी डालेंगे, ज़्यादा इमली का रस नहीं डाल रहे, इसलिए अगर ज़्यादा इमली का रस डालेंगे तो ये हमारी दाल का जो कलर येलो सा है वो थोड़ा सा डार्क सा हो जाएगा, तो इसलिए मैं इमली का रस ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। अगर आप इमली के रस की जगह अगर ज़्यादा डालना है तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप ना टमाटर इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डाल दीजिएगा, लेमन जूस से ये होता है कि थोड़ा सा उसका कलर जो है अच्छा आ जाएगा। तो ये अब मेरे यहाँ रखिए, बड़ी मज़ेदार ये दाल होती है, और आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मतलब चावल के साथ या रोटी के साथ खाएं। वैसे अगर आप चाह रहे हैं कि डाइट करना चाह रहे हैं तो इसी दाल के अंदर सारी चीज़ें डालें, डाल के फिर खूब सारा सैलड बनाए, कचूमर जिसको बारीक कहते हैं वो डाल के खाएं। आप 15 दिन आप इसको मुसलसल इस दाल का इस्तेमाल करें, आप ऐसे हो जाएंगे, दुबले हो जाएंगे, बहुत जल्दी पतले हो जाते हैं। चलिए जी, इसको कटिंग कर लेते हैं टोमेटो को बारीक बारीक इस तरह से। ठीक है, जब तक प्याज जो हमारा ब्राउन हो रहा है, अज्जा सारे मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, मैंने आपको उसका बता भी दिया कि हम किस किस चीज़ का इस्तेमाल करें, अदरक लहसुन ज़ीरा वगैरह ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और पकने देंगे जब तक ये बहुत अच्छे से हो जाएगा, तो आखिर में इसके अंदर मसाला जो है वो भुना हुआ मसाला डालेंगे, जिसका अलग से मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ है। तो फिलहाल तो इसको प्याज के और टमाटर के साथ ही पहले मैं इसको तैयार करूँगी, और जो फर्स्ट रेसिपी है वो भी हमारी रेडी हो चुकी है, उसको मैंने रख दिया था ओवन में, और वो भी बड़ी जल्दी झटपट सी तैयार होगी। प्याज को थोड़ा सा डार्क ब्राउन नहीं करना, वरना क्या होगा कि वो दाल का रंग जो है ख़राब हो जाएगा।
थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी और इसको करती हूँ कवर, ताकि टमाटर जो है बहुत अच्छे से गल जाए, वो दाल के अंदर तैरते हुए ना हो। अब ऊपर होता है ना कि दाल के अंदर तैर रहे होते हैं, प्याज तैर रहा होता है, वो बड़ा बुरा सा लगता है। तो इसको मैं थोड़ी देर ढकूंगी ताकि ये थोड़े से टमाटर और ये जो प्याज जो है हमारा अच्छी तरह से वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा करती जब तक मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, ताकि मेरा थोड़ा सा फ्लू भी सही हो, मेरा गला भी सही हो। और आपको कहूँगी कि ब्रेक पर जाते जो भी रेसिपीज़ कार्ड है उसको बहुत अच्छे से नोट कीजिएगा, ताकि आप रेसिपीज़ को ट्राई करें, और जब ट्राई करेंगे तो हमें फीडबैक भी देंगे, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, पानी डाल के टमाटर को और प्याज को रख दिया था। मैंने कहा टमाटर और प्याज जो है सॉफ्ट हो जाए, और जिस तरह से मैंने पहले कहा है कि तैरते हुए अच्छे नहीं लगते, चाहे आलू गोश्त हो, शोरबे का सालन हो या दाल हो, तो उसमें अच्छी तरह से टमाटरों को मैश करके डाले थे। और ब्लेंडर में आप इस्तेमाल करके भी डाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टेस्ट वैसे जो अच्छा आता है वैसे नहीं आता, ठीक है। अब इसमें जाएंगे मसाले, यहाँ पर है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट, ये चला जाएगा। इसमें जाएगी हल्दी एक चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे तकरीबन 2 चाय के चम्मच, घोल वाली मिर्चें जाएगी इसके अंदर, साथ में इसमें ज़ीरा चला जाएगा। अच्छा, ज़ीरा का 2 जगह इस्तेमाल हो रहा है, जो भुना हुआ ज़ीरा है वो आखिर में ऊपर से डालेंगे। इसके बाद 1 चाय का चम्मच इसमें जाएगा नमक का, सही है। अब बस इसको यहाँ रखते हैं, और पिसा गरम मसाला और इमली का रस ये मैंने बाद में डालना है। तो थोड़ा सा वुडन स्पून से आपने इसको करना अच्छी तरह से मैश, ताकि टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। लकड़ी का चम्मच लीजिएगा, इसलिए कि हम नॉन स्टिक का पैन इस्तेमाल करें, और नॉन स्टिक के पैन में आपको पता है कि आप दूसरा इस्तेमाल करेंगे स्पून, तो एक तो उसके अंदर वो जो निशान पड़ जाएगी आपकी कढ़ाई के अंदर, और दूसरा बड़ा अजीब सा लगता है, खड़खड़ 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 आवाज़ आ रही है। तो बेहतरीन है, मैं तो घर में भी अपने वुडन स्पून इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो सिल्वर के बर्तन में पकाएं या फिर नॉन स्टिक के, मुझे अच्छा लगता है, उसकी आवाज़ आती हुई बहुत बुरा लगता है। चले जी, हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो रहे हैं, ये देख लीजिए। बस दाल इसमें डालेंगे, थोड़ी देर दाल को पका लेंगे, आखिर में भुना मसाला डालेंगे, और मज़ेदार सी दाल जो है हमारी तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर इसको और पकाना है। अच्छा जी, सब चीज़ें हमने डाल दी, सारी चीज़ें हमने इसमें रख दी। कड़ी पत्ते आप डाल सकते हैं, अगर 2-4 आप कड़ी पत्ते भी लेके डाल सकते हैं, लेकिन मेरी इस रेसिपी में नहीं है, मतलब हर चीज़ हर उसमें भी नहीं डलते, कोई कोई रेसिपी ऐसी होती है जिसमें डलते हैं, कोई रेसिपी ऐसी होती है जिसमें नहीं डलते। अब बस इसको ज़रा सा मैंने इस तरह से मैश करना है, ये देख लीजिएगा। टमाटर जो है हमारे घुल गए, और एक नज़र देख लें चिकन को, कहीं हमारा ध्यान यहीं पर पता चले उसका काम हो गया तो वाह, ओहो क्या मज़ेदार बेक हो रहा है। हाँ, खुशबू इतनी मज़े की आ रही है, देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म का। इसको मैं थोड़ा सा करती हूँ कम, ठीक है, ताकि ये और बल्कि थोड़ा सा कम और बंद कर देते हैं बस, बल्कि मैं तो इसको बंद ही करती हूँ, इसलिए कि ये हो चुका है प्रॉपर तरीके से, इसको बंद कर देती हूँ, ऊपर से कलर भी इसका आ जाएगा। अब इसमें जाएगी दाल, हरी मिर्चों को थोड़ा सा चाक करके डालते हैं। अगर आपको ज़्यादा हरी मिर्चें वैसे पसंद है खाने में, तो आप बेशक आप क्या कीजिएगा, बारीक काट के डाल दीजिएगा। ये देखिए अभी ऑयल ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ऑयल भी इसमें आ गया, और थोड़ा सा हरा धनिया इसके पकते में डालूंगी, थोड़ा सा ऊपर डाल दूँगी। देखिए झटपट हमारी 2 रेसिपीज कम्प्लीट हो चुकी है। चलो ये अब इसमें जाएगी ये दाल, बिस्मिल्लाह रहमान, थोड़ा सा चूल्हा हल्का करेंगे। ये इन्होंने 1/2 किलो पूरी दाल वो कर दी थी, मेरे मुझे 1.5 पाव दाल चाहिए थी। चलेंगे ये हमारी मज़ेदार सी दाल जो है, ये देखिए क्या ज़बरदस्त इसकी शक्ल आई है, ये देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से तैयार, ज़बरदस्त दाल है, रेडी हो गई। थोड़ी सी और डाल देती हूँ। चले जी, अब इसके अंदर जाएगा भुना मसाला, पिसा गरम मसाला, और ये होगी प्रॉपर तरीके से दाल हमारी तैयार। ये भुना ज़ीरा ये आपने डालना है, और साथ में आपने डालना है पिसा गरम मसाला,
और इसके बाद जाएगा इसमें इमली का रस, गाढ़ा वाला इमली का रस। ठीक है, मज़ेदार सी दाल जो है तैयार होगी, ये देख लीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े मज़े की लगेगी ये दाल। और कितनी झटपट फटाफट फटाफट तैयार होगी दाल, दाल होगी रेडी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आपको अपनी जो सेकंड रेसिपी है मोनसलवा का कबाब पराठा, ठीक है, मोनसलवा का कबाब पराठे के बारे में बताएंगे, उसको हमने किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से नहीं तैयार करना है। ये सारे मसालों का काम जो हो गया मेरा ख़त्म, इसको यहाँ रखते हैं। चूल्हा इसका मैंने बंद कर दिया था, ओवन तो मैंने खैर बंद कर दिया था, अभी भी इसमें एक वो कह रहे हैं ना ऊपर से जो हीट की वजह से इसमें एक आवाज़ आ रही है कि जिस तरह से वो हो रहा है, साउंड एक आ रहा है, तो अब इसलिए मैंने बंद कर दिया था। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन ये देखें प्रॉपर तरीके से तैयार हो चुका है, चीज़ इसकी मेल्ट हो चुकी है। और इसको अब मैं निकालूंगी, थोड़ा सा ये और हीट की वजह से हल्का सा ऊपर से कलर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्राई करेंगे कबाब, जो मेरे पास है मोनसलवा का, यहाँ पर रखा हुआ है पैकेट चिकन सीख कबाब, बल्कि मैं बड़ा बर्तन ले लेती हूँ, उसमें बड़े आराम से हो जाएंगे, यहाँ पर वो घिरे ना ना, मुझे काम आदत है जल्दी जल्दी काम करने की, जल्दी जल्दी छोटे छोटे इसमें नहीं। चलें जी, बड़ा बर्तन लेते हैं, इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, आप इसको शैलो फ्राई कर लें, डीप फ्राई कर लें, बेक कर लें, आपकी मर्ज़ी, इसलिए कि प्रॉपर तरीके से ये रेडी है, फुल कुक हुए हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, इसको आप चाहे तो माइक्रोवेव में गर्म भी कर सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा डिफरेंट तरह से बनाना चाहते हैं, कोई टमाटर प्याज वगैरह भी आप इसमें डालकर उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर पराठा, जो मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पर मोनसलवा का प्लेन पराठा, बड़ा मज़ेदार सा पराठा है, फिर वो भी हम इसमें कर लेंगे। चूल्हा जला दिया मैंने। चलें जी, झटपट झटपट रेसिपीज़ जो है आपकी तैयार हो जाती है, और मोनसलवा की बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई, देखें जी क्या मज़ेदार सी चटनी के साथ। अब आप सोचें, आपको चटनी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने पैकेट को खोलना है, कबाब सी कबाब हो, टिक्का बोटी हो, या फिर चपली कबाब हो, या कोफ्ता हो, हर चीज़ आपको इजीली अवेलेबल होगी, इसलिए कि सारी की सारी चीज़ें इनकी प्रॉपर तरीके से रेडी हैं। मैं अब आपको यहाँ पर बता दूँ, ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त किस्म के कबाब हैं, बस आपने इसको यहाँ पर डालना है और इसको फ्राई करना है। चूल्हा बंद कर दिया इसलिए कि फ्रीज़ हुए हैं, थोड़े से इसी ऑयल के अंदर डीप रोस्ट हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, फिर इसका चूल्हा जलाएंगे। चलें जी, ये रेडी हो गया, कबाब्स हमारे फ्राई हो रहे हैं, चटनी को मैं यहाँ पर रख लेती हूँ, और दाल को भी हम निकालेंगे, पराठे का आपको बता देते हैं, चाहिए मुझे तवा। ठीक है जी, बस कबाब्स को करती हूँ फ्राई, थोड़ा सा इसको कवर करूँगी इसलिए कि डीप रोस्ट हो जाए, बर्फ़ बने हुए, तो मैं इसको ढक के रखती हूँ, ये फ्राई होके निकालेंगे, फिर हम करेंगे यहाँ पर हमारे पास है जो सीख कबाब के साथ हमने फ्राई करने हैं पराठा, प्लेन पराठा है मोनसलवा का, वो फ्राई करेंगे। और जब तक ये बाकी डिशों को हम निकाल के डिश आउट करते हैं, और ऐसा करते हैं लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए, मज़ेदार सा चिकन मसाला रेडी हो गया सॉस के साथ, केचप था, मायनीज थी, चीज़ थी, सारी चीज़ों के साथ ज़बरदस्त रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको भी वहाँ पे रखेंगे। इतनी देर में मैंने यहाँ पर आपके सामने जो दिए थे मोनसलवा के सी कबाब, ये भी फ्राई हो चुके हैं, इसको आप पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। और पराठा हमारे पास है यहाँ पर मोनसलवा का प्लेन पराठा भी है, उसको भी निकालेंगे, उसको भी फ्राई करेंगे, मैं निकाल लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, प्लेन पराठा, असल में पराठे का थोड़ा सा ये होता है, आपको पता है कि वो फ़ौरन फ्रीज़र से निकालें और उसको आपने फ्राई करना है, वरना क्या होगा कि जब आप उसको वैसे करेंगे, पहले से निकाल के रखेंगे, तो वो चिपकना शुरू हो जाता है वो पॉलीथीन बैग के साथ, वो इस वजह से नहीं वो करता। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर पराठे को करेंगे फ्राई, हल्का सा आपने यहाँ पर डालना है ऑयल। ठीक है, ज़बरदस्त सी दाल, बड़ी मज़ेदार सी दाल बनी है, ज़ीरा मूंग दाल, जिसके ऊपर भुना हुआ ऊपर से ज़ीरा, और साथ में आपने डालना है पिसा गरम मसाला, और ज़ीरे को भून के कूट के आप रख लीजिएगा। अच्छा,
अच्छा, इनके पराठों की मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, पराठे ज़रा से इस तरह से होते हैं कि आप इसको खाओ तो आपको लगेगा आपने कुछ खाया। बाकी एक आध ब्रांड मैंने देखा था वो एक निवाले में बल्कि दो निवाले के अंदर पराठा पूरा ख़त्म होता है, लेकिन ये थोड़े से अच्छे मोटे पराठे और मज़ेदार भी है। तो चाय के साथ पराठा ना हो तो मज़ा नहीं आता, तो ये आप अपने घर में ला के रख लें, सुबह नाश्ते के अंदर आप आराम से इसको इन्जॉय कर सकते हैं। ये मैं वहाँ रख देती हूँ जब तक पराठा फ्राई हो रहा है। ये देखें, चले जी, देखिए दाल भी है, दाल के साथ आपको चिकन भी मिलेगा और पराठा रोल भी मिलेगा। बस इसको फ्राई करेंगे, सिंपल आसान सी रेसिपीज है, झटपट आप बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने अभी आपके सामने बनाई है। कितनी जल्दी बनाई है आपने देखा, दाल भी बन गई, चिकन भी बन गया और यहाँ पर हमारे जो पराठे हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं। और सी कबाब थे, ज़ाहिर है मोनसलवा की जितनी भी आपने देखा है वैरायटी है, ये आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं लेगी बनाने में, इसलिए कि पूरी प्रॉपर तरीके से ये तैयार होता है। बस आप उसको फटाफट क्या कहते हैं उसको बेक कर लें, आप चाहे तो उसको ओवन में माइक्रोवेव में गर्म कर लें। सिर्फ एक पराठे का है प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है, और एक होते हैं कबाब, चपली कबाब, ठीक है, उसको आपको फ्राई करना पड़ता है। इसको भी हम फ्राई करते हैं, थोड़ी सी करते हैं हीट कम, ये चिपक जाता है फौरन, इतना सॉफ्ट, जिस तरह से आपकी वो जो है ना पफ पेस्ट्री, सेम वही होता है। पराठे को फ्राई करेंगे, यहाँ पर कबाब रखेंगे, ज़बरदस्त किस्म के हमारे झटपट वाले कबाब भी रेडी हो चुके हैं, जिसको मैंने फटाफट डाला था उसके अंदर, ऑयल के अंदर, और उसके बाद आप इसको फ्राई कीजिएगा। आपको जब मूड हो ना खाने का पराठा और उसके साथ कबाब, तो बस आपने मेहनत ज़्यादा करनी नहीं है, आपने पैकेट लेने हैं मोनसलवा के और उसी से आप इसको बना लीजिएगा। ये हो गया, इसको निकालते हैं, कबाब पराठा, वरना आप सोचे कितनी देर लगती है, पराठे बनाओ, आटा गूंदो, ये सारी चीज़ें करो, लेकिन अभी देखें कितने आराम से आपका कबाब और पराठा दोनों रेडी हो गया। एक और भी फ्राई करती हूँ, दाल भी बड़ी मज़ेदार बनी। अच्छा, दाल मैंने पतली वाली नहीं किनी है, इसलिए कि ये जो दाल है रोटी के साथ खाने वाली है, राइस के साथ खाने वाली है। अगर आपने राइस के साथ खानी है तो थोड़ा सा बेशक इसको पतला कर ले, लेकिन बड़े मज़े की दाल है। मैंने यहाँ पर अभी मेरी स्पून रखी है, जो मैंने इसको ट्राई किया, चखा, बड़े मज़े की बनी है। तो यहाँ पर फिर ज़रा सा इसमें डालते हैं एक टेबल स्पून कितना ऑयल, और इसको करते हैं फ्राई हमारे पराठे। अच्छा, पराठों का मैं आपको बता दूं कि इसमें सब चीज़ें लगी हुई, आपको ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं, आप वैसे भी बनाना चाहें तो आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। चलो जी, ये देखें, बस इसी तरह से दो तीन पराठे और फ्राई करते हैं, बाकी हमें कुछ चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारे सिर्फ रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, ये हमारा जो ब्रेक है रिकैप ब्रेक है, ताकि इसमें रेसिपीज़ कार्ड को आप देख के नोट कीजिएगा और रेसिपीज़ को ट्राई कीजिएगा, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। स्पाइसी चिकन मसाला, अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय के चमचा, चीज़ 1 कप, लाल मिर्च 1 चाय के चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, गर्म मसाला आधा चाय के चमचा, टोमेटो केचप 4 खाने के चमचे, मक्खन 2 खाने के चमचे, मेयोनीज 4 खाने के चमचे, हरी मिर्चें 2 अदद, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब, चिकन के छोटे टुकड़े कर लें, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, नींबू का रस, तेल, गर्म मसाला और हरी मिर्चें मिलाकर 20 मिनट छोड़ दें। फिर इन पर मेयोनीज, चीज़, टोमेटो केचप, मक्खन और हरा धनिया डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। ज़ीरा मूंग दाल, अज्जा मूंग की दाल 1.5 पाव, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, सूखी लाल मिर्चें 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कटा लहसुन 1 चाय का चमचा, भुना ज़ीरा 2 चाय के चमचे, बारीक कटी अदरक 2 चाय के चमचे, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, इमली का रस 2 खाने के चमचे, तेल हसबे ज़रूरत। तरकीब, पहले मूंग की दाल में पानी डालकर धीमी आंच पर पकने दें, जब दाल अच्छी तरह गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब तेल गर्म करके इसमें प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें, फिर इसमें कटा लहसुन, टमाटर, बारीक कटी अदरक, पिसी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, हल्दी, पिसा गर्म मसाला और सूखी लाल मिर्चें डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इस मसाले को दाल में शामिल करके मिक्स कर लें और इमली का रस डाल दें। आखिर में चूल्हा बंद करके दाल को डिश में निकालें, फिर भुने मसाले और भुना ज़ीरा छिड़क कर सर्व करें।
स्पाइसी चिकन मसाला, अज्जा चिकन बोनलेस आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चम्मच, नमक आधा चाय के चम्मच, चीज़ 1 कप, लाल मिर्च 1 चाय के चम्मच, हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच, गर्म मसाला आधा चाय का चम्मच, टोमेटो केचप 4 खाने के चम्मच, मक्खन 2 खाने के चम्मच, मेयोनीज 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद, तेल 2 खाने के चम्मच। तरकीब, चिकन के छोटे टुकड़े कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च, नमक, नींबू का रस, तेल, गर्म मसाला और हरी मिर्चें मिलाकर 20 मिनट छोड़ दें। फिर इन पर मेयोनीज, चीज़, टोमेटो केचप, मक्खन और हरा धनिया डालकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक कर लें। ज़ीरा मूंग दाल, अज्जा मूंग की दाल 1.5 पाव, प्याज 1 अदद, टमाटर 2 अदद, सूखी लाल मिर्चें 6 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कटा लहसुन 1 चाय का चम्मच, भुना ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, बारीक कटी अदरक 2 चाय के चम्मच, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चम्मच, इमली का रस 2 खाने के चम्मच, तेल हंस पे ज़रूरत। तरकीब, पहले मूंग की दाल में पानी डालकर धीमी आंच पर पकने दें। जब दाल अच्छी तरह गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब तेल गर्म करके इसमें प्याज को हल्का सा फ्राई कर लें। फिर इसमें कटा लहसुन, टमाटर, बारीक कटी अदरक, पिसी लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, हल्दी, पिसा गर्म मसाला और सूखी लाल मिर्चें डालकर अच्छी तरह भून लें। अब इस मसाले को दाल में शामिल करके मिक्स कर लें और इमली का रस डाल दें। आखिर में चूल्हा बंद करके दाल को डिश में निकालें, फिर भुने मसाले और भुना ज़ीरा छिड़क कर सर्व करें। मज़ेदार पराठा फिर तैयार हो गया। चले जी, ये भी हो गया और ज़बरदस्त किस्म के पराठे, इतने मज़े के, इतने सॉफ्ट पराठे, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा भी दिल, मैंने चाय वैसे छोड़ दी है, लेकिन जब पराठा देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ी सी चाय और पराठा खा लूँ। चलें जी, हमारे ज़बरदस्त से कबाब और पराठा तैयार हो चुका। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत मज़ेदार सी दाल भी तैयार हो चुकी है और उसके साथ जो चिकन मसाला, झटपट सारी चीज़ों को मिक्स किया और उसको मैंने मुकर लिया। ठीक है, चलें जी, अब आप पहले मेरा देखें दस्तरखान, कितने मज़े के कबाब बने हैं। सी कबाब है, साथ में पराठा है, साथ में चिकन आपको नज़र आ रहा है, इसके साथ दाल भी आ रही है। प्रॉपर तरीके से बनी हो, जिस तरह से मैं आप लोगों को कहती हूँ, अगर आपके घर में एक चिकन बन रहा है, बीफ मटन बन रहा है, तो साथ में एक दाल या साथ में आप उसके अंदर कोई ना कोई इस तरह सब्ज़ी ज़रूर बना लेंगे, बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन रह जाता है। तो खैर, यहाँ पे ये तो मुझे लग रहा है कोई प्रॉपर दावत का खाना है, पराठे भी है, कबाब भी है, चिकन भी बेक किया हुआ है और साथ में यहाँ पर दाल भी मज़ेदार सी है। तो बस आपने ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी आज की रेसिपीज़, कैसी लगी। दाल को सिंपल आपने उबालना है, दाल उबल जाएगी, दूसरी तरफ प्याज ब्राउन कीजिएगा, टमाटर डालिएगा, टमाटर के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ दीजिएगा। जब आपको लगे टमाटर सॉफ्ट हो गए तो अच्छी तरह से उसको भून लीजिएगा। भूनने के बाद उसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, साथ में गोल मिर्च, ज़ीरा डाल के भून लीजिएगा। दाल डाल दीजिएगा, दाल डाल के बस एक बॉयल आएगा, उसे चूल्हा बंद कीजिएगा, ऊपर पिसा गरम मसाला और भुना हुआ ज़ीरा कुटा हुआ वो डाल दीजिएगा। मज़ेदार सी ज़ीरा दाल जो है तैयार हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, जिकी आपने नोट कर लीजिए, ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको कैसी लगी और कैसी लगी। तो क्या आप इजाज़त ले लें? चले जी, बिल्कुल इजाज़त लेते हैं, कल मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। सब तक मुझे बेटी को जा दीजिएगा और दुआ भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। मैं हूँ शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।